सवाल उठता है कि 40 वाला पहले गियर मिलाए या बड़ा वाला 80 वाला गियर मिलाए। तो आपको समझने के लिए हम बता दें कि सबसे पहले आपको मशीन को उल्टा कर लेना, मतलब उसके सही टाइमिंग पे रख लेना है। इसका मतलब ये है कि लोचिस इस पोजीशन में रख लेनी है आपको कि गोला उसी गड्ढे में आकर के टिक जाए। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, तो पहले 80 वाले गियर को सॉफ्टवेयर में डाल करके यहाँ पर देखिए चाबी ठोके हैं, चाबी ठोक लीजिए, क्योंकि ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है। इसमें दो चाबी घाट हो सकते हैं, एक इधर हो सकता है, एक इधर इधर भी हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ भी आप इसको फिट कर लीजिए। उसके बाद आपकी 40 नंबर की गियर ऊपर वाली होती है, जिसे टाइमिंग गियर भी कहते हैं, और इसके साथ में ये प्लेट फिट की होती है, जिससे टाइमिंग का अंदाज़ा लगा करके इसको फिट किया जाता है। अभी देखिए इस तरीके से हमने टाइमिंग फिट किया है कि ये नट बोल्ट बीचों बीच में आते हैं। तो जब ये ऊपर वाला गियर मिला है 40 नंबर वाला, तो उसी के साथ में मशीन की टाइमिंग मिल जाती है कि मशीन का सॉफ्टवेयर इधर नीचे करके और लोचिस को जो है कि बिल्कुल गोले में रख के, या कह लीजिए कि ये गोले को इसी लोचिस वाले गड्ढे में रख करके इसी तरीके से टाइमिंग मिला लीजिए। तो ये हो जाती है आपके 40-80 नंबर गियर की फिटिंग।